ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे इटावा की, जहां पर निर्मम हत्याकांड की वारदात से दहल उठा है इटावा। मां और तीन मासूम बेटियों की हत्या से सनसनी फैल गई है। गला दबाने के बाद बच्चों को चौथी मंजिल से फेंका गया है। दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में तोड़ा है दम। कमरे में पड़ा मिला है मां का शव। आपको बता दें, घरेलू कलह की आशंका व्यक्त की जा रही है। फिलहाल महिला के पति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राहतपुरा काशीराम कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो इटावा से ही खबर सामने आ रही है, निर्मम हत्याकांड की वारदात से दहल उठा है इटावा। आपको बता दें कि मां और तीन मासूम बेटियों की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस शुरुआती स्तर पर जांच प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। गला दबाने के बाद बच्चों को चौथी मंजिल से फेंका भी गया है। दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा है। वहीं कमरे में पड़ा मिला है मां का शव और घरेलू कलेश बताई जा रही है इस पूरी वारदात के पीछे की वजह। राहतपुरा थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पे काशीराम कॉलोनी है। इसमें फोर्थ फ्लोर पे एक परिवार रहता था, जिसमें उसका पति, उसकी 25 साल की उम्र की तकरीबन पत्नी और तीन बच्चियां 2 साल, 3 साल और 5 साल की रहती थी। मौके का निरीक्षण किया गया है तो उसमें देखा गया है कि वो एक बालकनी है, जिस बालकनी से समोतया उसको फेंका गया होगा, तीन लड़कियों को फेंका गया है। और औरत जो है अपने कमरे में है, पूछताछ होगी उसके चीजों को और जल्द ही इसको अनावरण भी कर लिया जाएगा। और इस खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित सिंह चौहान जुड़े। रोहित, शुरुआती स्तर पर जांच में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, पुलिस जो है इस हत्याकांड के बाद जो है अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंची हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। पुलिस अपनी एक रेटिकटाई बयान दे रही है कि जो मामला है घरेलू गृह क्लेश का मामला है और उसके आधार पर जो है उसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन स्थानीय लोगों की अगर माने तो इसका पति जो है वो रात में घर पर नहीं था और सुबह जब उसको हत्याकांड की जानकारी हुई, इसको सूचना दी गई, तब वो जो है अपने घर पर आया और उसी दौरान जो है पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ये भी कहने से इनकार कर रही है कि घर में जो है किसी प्रकार की लूटपाट या मान लो चोरी की वारदात हुई है या उनके साथ जो कोई भी कोई घिनौना काम किया गया है, इन सारी बातों से अपना पुलिस जो है पल्ला झाड़ रही है। लेकिन पुलिस जो है अभी कोई फाइनल कोई निष्कर्ष नहीं दे पा रही। जी जी रोहित, स्वादेश सर की माने तो घरेलू कलेश बताया जा रहा है वजह, लेकिन कौन कौन से ऐसे एंगल हैं जिसके आधार पर पुलिस इस पूरी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है? जी बिल्कुल, अगर स्थानीय लोगों की माने तो इन बच्चियों के साथ जो है दुष्कर्म की आशंका भी जताई गई है स्थानीय लोगों के द्वारा, लेकिन जो है पुलिस इन सारी बातों से पल्ला झाड़ रही है। हालांकि ये इतना निर्मम हत्याकांड है जो कि एक अगर मान लो उसके पिता करते भी हैं, अपना एक अपना कोई अपने बच्चे और अपनी पत्नियों की अगर हत्या करता है तो इतनी निर्ममता से मारने के बाद उन छोटी छोटी बच्चियों को जो है चौथी मंजिल से नीचे नहीं फेंक सकता।